अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ आई एडिट माई पिक्चर्स। कुछ दिनों पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आपसे एक इलेक्शन करवाया था जिसमें दो तस्वीरें दी गई थी और आपसे पूछा था कि जिस तस्वीर पे आप वोट ज़्यादा करेंगे उसकी मैं एडिटिंग करूंगा। तो फाइनली आई एम टुडे मेकिंग दिस वीडियो हैपनिंग एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जनाब ये है वो मशहूर ज़माना पिक्चर जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी और इस पर अभी हम एडिटिंग करेंगे। और एडिटिंग स्टार्ट करने से सबसे पहले हम अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर रखेंगे, विच इज़ ऑलरेडी ऑन एयरप्लेन मोड, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो कोई भी। तो हाँ, कोई भी अगर मैं पिक्चर एडिट करता हूँ तो सबसे पहले मैं कर्व्स में जाता हूँ। अब ये कर्व्स होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं, इस पर हम इंशाल्लाह अगले साल बात करेंगे। लेकिन इसकी सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या हैं राइट नाउ, सो ताकि अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं तो आपके पास भी इमेज पर बिल्कुल एग्जैक्ट सेटिंग्स और कलर्स आएँ। सबसे पहले ये वाइट कर्व है, इसको हम जो इस शेप में है इसको हम एस कर्व बोलते हैं फॉर मैट लुक। तो इसकी सेटिंग्स आप देख लें और इसके साथ आप रेड की सेटिंग्स देख लें, ग्रीन की सेटिंग देख लें और ये ब्लू की सेटिंग्स भी देख लें। सेटिंग्स करने के बाद आप इस पे डन पे क्लिक करते हैं वरना आपकी सेटिंग्स सेव नहीं होंगी। अब आते हैं हम मेन पोर्शन में। एक्सपोजर को मैं नहीं छेड़ूंगा, दे आर विच इज़ ऑलरेडी गुड। एंड कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा 20 तक, ठीक है। हाइलाइट्स को मैं पीछे कर दूंगा, सही है। शेडोज थोड़े से अप कर दूंगा मैं, ताकि वो पीछे से खिड़कियां थोड़ी आनी चाहिए फोटोज़ में। वाइट्स को मैं अप कर दूंगा ताकि ये जो धुआँ है इसकी डेंसिटी आए। ब्लैक्स को हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे कलर में। कलर में अब इस पिक्चर में चाय बन रही है तो इस पिक्चर में थोड़ी सी गर्म जोशी दिखानी है तो हम टेम्परेचर में भी थोड़ी सी गर्म जोशी लाएंगे। 9-10 इसको टेंट हल्का सा मैं माइनस कर दूंगा। एंड वाइब्रेंस में हमेशा 5 या 10 के दरमियान रखता हूं, तो इस वक्त आप के लिए मैं 10 कर देता हूँ, क्या याद करेंगे आप लोग भी। सैचुरेशन को हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल छेड़ेंगे। और इसके बाद हम जाएंगे मिक्स टैब में। और रिमेंबर, जितना भी जादू होता है फोटो एडिटिंग में कलर्स का, वो सारा मिक्स टैब में होता है। तो सबसे पहले रेड पे काम करेंगे, जिसको मैं कर दूंगा माइनस। ह्यूज इसके थोड़े मैं पीछे कर दूंगा, सैचुरेशन में डाउन कर दूंगा और इसको थोड़ा मैं डार्क रख दूंगा। उसके बाद चाय को हम करेंगे थोड़ा सा ब्राउनिश, कड़क चाय। सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा देंगे, बढ़ा ले। तो और लुमिनेंस में इसका थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि वो जो फ्लेम, एक किस्म का जो फ्लेम बन रहा है उसमें से लाइट आ जाए। येलोस को मैं पीछे कर दूंगा, नॉट सो मच। और सैचुरेशन भी डाउन कर दूंगा। ग्रीन को भी हम पीछे कर देंगे। टील और ब्लू को बिल्कुल माइनस कर दूंगा। एंड देयर कलर सेक्शन जितना भी था ये इतना ठीक है। और इसके बाद हम आएंगे इफेक्ट्स में। टेक्सचर में थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि आपकी इमेज में थोड़ी सी शार्पनेस आ जाए। क्लैरिटी को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वीएनटी थोड़ी सी। और उसके बाद डिटेल्स में आएंगे, शार्पनिंग बढ़ा देंगे तकरीबन 20 तक, 20-22 ठीक है आप लोगों की खुशी के लिए। नॉइस रिडक्शन, बाकी हर चीज़ ठीक है। इफेक्ट्स में थोड़ा मैं जाऊँगा, ग्रेन्स
ग्रेंस ठीक हैं, बस ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं। और ये आपकी इमेज तैयार हो चुकी है, दैट्स इट। तो आप लोगों ने देख लिया कि कितनी सिंपल तरीके से मैं एडिट करता हूँ अपने फ़ोटोज़ को। खुद भी सिंपल हूँ, अपने काम को भी सिंपल रखता हूँ, सिंपलिसिटी में बिलीव करता हूँ, एंड विच इज़ द बेस्ट पॉलिसी आई थिंक। और अगर आप लोग चाहते हैं सेटिंग्स आपके पास सेव रहें, तो आप क्या करेंगे, राइट साइड टॉप ऑफ द कॉर्नर जाएंगे, इन 3 डॉट्स पे टैप करेंगे, क्रिएट प्रीसेट पे क्लिक करेंगे और अपने प्रीसेट को नाम दें, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको नाम देता हूँ टी स्टोरी बाय टोटली फरास। अगर आप भी मेरा नाम रखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इसको हम सेव कर देंगे, आपका प्रीसेट हो गया सेव। अब कोई भी तस्वीर हो आप उस पर ये वन टैप के साथ ये सेटिंग्स लगा सकते हैं। अब हमारे पास ये तस्वीर है तो हम इस पर ये प्रीसेट लगाएंगे। ये रहा हमारे पास प्रीसेट, तो इसका नाम क्या है, टी स्टोरी बाय टोटली फरास। ये आ गई आपके पास इसकी सेटिंग्स, वन टैप है। सो यू हैव ऑल द सेटिंग्स। नाउ आप इसको देखें, अपने फ़ोटोज़ पे अप्लाई करें, जो भी करें आप पर डिपेंड है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तस्वीर पर प्रैक्टिस करें सेम सेटिंग्स के साथ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं ये गूगल ड्राइव पर मैं ये इमेज रख रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करें और इसी इमेज पर आप ये सेम ट्यूटोरियल फॉलो करके बेशक एडिट करें। और अगर मज़ीद कोई अनाउंसमेंट इसमें करना चाहते हैं तो ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू। और अगर जब आप एडिट कर लें तो अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट करें और मुझे टैग करना करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि देखूं मैं कौन कौन उसे सीख रहा है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक और बात, जिन लोगों ने जुने जो वाली तस्वीर पर वोट किए थे वो बिल्कुल निराश ना हो, अगली इंशाल्लाह वीडियो मैं उसी पे करूँगा। आज तो मैंने ये मोबाइल पे की इसलिए क्योंकि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं मैंने देखा है वो सारे सेल फोन यूज़ करते हैं एडिटिंग पर, तो इसलिए मैंने कहा कि ये उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा, बिकॉज दे आर बेसिक लर्नर्स, तो उनको कोई मुश्किल ना हो। और अगली जो वीडियो मैं एडिट करूँगा वो मैं आपको PC पे एडिट करके दिखाऊँगा, हाउ आई एडिट माई पिक्चर्स ऑन लाइटरूम PC। सो टिल देन ये आप वीडियो एंजॉय करें और अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाते रहें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।